Hello gamers, welcome back to my channel. My name is Mr. Leo and ये मेरा second video है और इस video में मैं खेलने वाला हूँ Minecraft. So मैं Minecraft में one block खेलने वाला हूँ. So world अपने बना लेते हैं. ठीक है, मैंने download किया हुआ है world, बस मैं तो नाम दे रहा हूँ इसको. मैं कहाँ से one block का world बनाऊँगा. ठीक है, देख सकते हो difficulty hard रखी है मैंने और ये तो ऑन नहीं कर सकते हैं. और देखो cheats बिल्कुल एक्टिवेट नहीं है. ठीक है, और कोऑर्डिनेट देखने का मतलब भी नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेट भी ऑफ है. तो रिसोर्स पैक मैंने ये डाले हैं, रियल सोर्स वाला नहीं हूँ, बल्कि तो डायनेमिक लाइट है. और बस सब ठीक है. ये रियल सोर्स का नया वाला डाल देता हूँ मैं, ये टेक्सचर. ठीक है, और बल्कि ये हटा देता हूँ मैं ताकि थोड़ा लैग कम हो. बल्कि यहाँ पे तो ये लगे हुए हैं, है ना, डायनेमिक लाइट और जूम बिहेवियर. ठीक है, तो बस यही है अपने. तो बस वर्ल्ड क्रिएट करते हैं अब अपना. हाँ, कॉपी बना देते हैं इसका. अगर कुछ दिक्कत तो कॉपी है अपने पास वर्ल्ड की. ठीक है, तो वर्ल्ड अपना बन रहा है और देखते हैं हमको क्या क्या इसमें मिलता है. मिलेगा तो वही सेम चीज़ जो कि दूसरे वीडियोस में तुम देख पाओगे, दूसरे यूट्यूबर को खेलते हुए जो चीज़ें मिलती हैं वो ही मिलेंगे हमको भी. मैं क्या बातें कर रहा हूँ. ठीक है, गेम पे फोकस करते हैं हमने. बिल्डिंग टेरेन देख रहे हो साइड में, जो ऑरेंज कलर का तुमको दिख रहा है ना माइनक्राफ्ट के पीछे, ये फ्रॉग है. ये जो उसके पैर हैं वो सब दिख रहे हैं ना, फ्रॉक के पैर हैं. ठीक है, तो दिक्कत लेना मत. ओके, सो मैं आ चुका हूँ वन ब्लॉक पे. ओके, मैं वन ब्लॉक पे आ चुका हूँ. सो मैं तुमको थर्ड पर्सन फ्रंट करके बताता हूँ. ठीक है, अपना थर्ड पर्सन फ्रंट. ये मैं पहली बार वन ब्लॉक खेलूँगा. ओके, सो ये वन ब्लॉक में है बढ़िया, लेकिन इसमें एक दिक्कत है. क्या वो मैं तुमको दिखाता हूँ. ठीक है, सो ये अपना फर्स्ट पर्सन करते हैं वापस से अब अपन. और एक चीज़ की दिक्कत है इसमें, वो मैं तुमको दिखाता हूँ. ठीक है, यहाँ से जब मैं खोदूँगा इसके ऊपर खड़ा होकर तो मैं एक बार गिरूँगा और शुरुआत में एक बार मरूँगा भी सही, लेकिन उसके बाद मेरे को क्या करना है, एकदम धीरे से कहीं साइड में भी सब ब्लॉक लगा देना है. बस लैग सॉल्व. अब इसको तोड़ते रहो, कोई चीज़ नीचे नहीं जाएगी, लेकिन अगर अपन उसके ऊपर खड़े होकर माइन करेंगे ना तो अपन नीचे गिर सकते हैं. और ये दिक्कत भी हट जाएगी जब हम ये जो वन ब्लॉक है ना इसके नीचे कोई स्लैब लगा देंगे या ब्लॉक लगा देंगे. तो मेरे को अपने फर्स्ट चेस्ट में मिल चुका है पम्पकिन सीड और थोड़े बहुत फ्लावर, विच इज़ नाइस बट नॉट दैट मच यूजफुल फॉर नाउ. देखो अपना सन सिर के ऊपर है फुल. पम्पकिन ने तोड़ते हैं और प्लीज़ अभी कोई भी एनिमल स्पॉन मत होना. मेरे को थोड़ा रिसोर्सेस कलेक्ट कर लेना, उसके बाद में कोई एनिमल आना अब भी एक भी नहीं बताना यूँ. ठीक है, नहीं तो मेरे को उनको मारना पड़ेगा. आई डोंट वॉन्टेड टू बट इफ दे स्पॉन देन आई नीड टू किल देम. ओके, इतने में अपने 25 ब्लॉक माइन हो चुके हैं. और ये जो अकाशियन वुड है ना, इसका मेरे को अभी थोड़ा चलाना पड़ेगा देख के ने. ये डर्ट है, अकाशियन वुड है, ये सब के सब मेरे को संभाल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अकाशियन सैपलिंग अभी ना अभी मेरे को मिलेगी नहीं. और जो डर्ट है ये भी लिमिटेड मिलती है, ये फर्स्ट में इतनी ज़्यादा मिल रही है, उसके बाद में ये मिलनी बंद हो जाएगी. सो जब हमको फार्म्स बनाने होंगे या फिर थोड़ा अपने डेकोरेशन करना होगा वन ब्लॉक का, तो डर्ट की कमी पड़ जाएगी. सो आई नीड टू फोकस ऑन दैट
एंड माइनिंग तो चालू ही है अपने फिलहाल, तो हाथ हाथ से ही कर रहे हैं सब, ठीक है, और तोड़ते रहते हैं। मेरे को कोई सैपलिंग दे दो यार, एक चेस्ट आता है नया। हेलो बाय। ओ नहीं, ओ जंप किसे मारती है हवा में? हवा में बिल्ली है क्या तू? वो मेरे को अब भी एक शॉट मार देती, मैं डायरेक्ट वॉइड में जाता। वो जंप करके वापस आई थी, मैंने उसको क्रिट दिया ताकि वो वॉइड में गिर जाए और मर जाए, लेकिन वो हवा में वापस से वन ब्लॉक पर जंप कर दिया उसने। और जो मेरे को एक बार भी मार देती ना, मेरे इतने रिसोर्सेस सब जाते। डैम दैट्स स्कैरी। ओके तो स्लैब्स बना लेता हूँ अब, और अब जरूरी भी है कि मेरे को अपना वन ब्लॉक बड़ा कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसे के ऐसे और मॉब्स भी आए अभी, तो मेरा मरना तो ऑब्वियस है। ये तो स्पाइडर थी जो कि सुबह के टाइम पे हम पे अटैक नहीं करती है, सुबह के टाइम पे इसकी उम्र से कोई दुश्मनी नहीं है इसलिए, नहीं तो क्रीपर या फिर कोई जॉम्बी या स्केलेटन होता, इंस्टेंटली मेरे को मार देता वो, इंस्टेंटली विदाउट वेस्टिंग वन सेकेंड, ठीक है। सो मैंने अभी यहाँ पे 3x3 का पूरा एक एरिया बना रहा हूँ मेरे घूमने फिरने का, बल्कि बाद में इसको अच्छे से डेकोरेट सब करेंगे, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो अपन को रिसोर्सेज की तंगी रहेगी, इसलिए मतलब रिसोर्सेज की कमी रहेगी और बहुत सारी स्केयरसिटी होगी रिसोर्सेज की, इसलिए तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते अपन। और जो मेरे को सैपलिंग मिल गई होती ना, मैं अभी उसको उगाने लग देता ताकि मेरे को वुड और मिलती जाती, लेकिन मिली नहीं। तो अभी तो इतना दूर से ही मैं माइन कर रहा हूँ ताकि अगर कोई भी आए ना मॉब या फिर कुछ ऐसा हॉस्टाइल मॉब जिसको हमको मारना चाहिए, मैं उसको तुरंत ही मार के नीचे गिरा पाऊँगा, इसलिए अभी इतना दूर से ही मैं माइन करता हूँ। सडनली आ गई वो, ये तो पहले तो मॉब से आते नॉर्मल। ओके कोई बात नहीं, अपन को कोई डैमेज नहीं हुई इसलिए ठीक है सब, बल्कि और माइनिंग करते हैं अपन। डर्ट तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको तो बचा के रखेंगे, उसको कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है। तो मैं इसमें भी एक अच्छा बड़ा सा घर बनाऊंगा, लेकिन हाँ बना सकता हूँ उसको, स्टोन और वुड दोनों से मिला के बना सकता हूँ। मैं ये बोलना था मैं वुड से ही बना पाऊँगा यूँ, लेकिन अगर मेरे को लावा बकेट मिल गई और वाटर तो मिलेगा ही, तो फ्लॉट से जो मेरे को लावा बकेट मिल गई, सो मैं स्टोन का फार्म बना सकता हूँ अनलिमिटेड लावा करके। अनलिमिटेड लावा कैसे होगा? सो जब यहाँ पे वॉन्ड्रिंग ट्रेडर आएगा ना, तो वो कभी कभी ड्रिप स्टोन ले आता है, पॉइंटेड ड्रिप स्टोन और कोल्डन पॉइंटेड ड्रिप स्टोन और कुछ टेम्प्रेरी ब्लॉक्स लाइक स्टोन और समथिंग एल्स, ये चीज़ें लेकर हम अनलिमिटेड लावा का सोर्स बना सकते हैं। यस, और उससे स्टोन फार्म तो बनाना बहुत इजी है, और फिर ऐसे ही करके मैं आयरन फार्म बनाऊंगा, बहुत सारा एडवेंचर करने वाले हम, सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, एक भी इसका एपिसोड मिस मत करना, और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि सबसे बेस्ट एकदम सुंदर सा मेरा वन ब्लॉक हो, हर एक जगह पर मैं उसको सजाने की कोशिश करूंगा। अगर तुमको नहीं पसंद आए सो यू कैन सजेस्ट मी इन कमेंट्स, ओके। अगर तुमको कुछ नहीं पसंद आए कि भाई ये हटा दो, तो तुम तुरंत कमेंट करना मेरे को,
मैं तुम्हारा एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है? तो प्लीज, इफ आई गिव यू माई टाइम देन मैं भी तुमसे तुम्हारा टाइम मांगता हूँ, सो प्लीज, ओके, सपोर्ट। फिर तोड़ते हैं और वुड, अभी तक सैपलिंग नहीं मिली यार, क्या बात है, चेस्ट दे दो भाई, स्टेज खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट वाला। इसमें भी अलग अलग स्टेजेस आते हैं, टोटल 8 स्टेज होते हैं, अगर कोई नया हो तो। वन ब्लॉक में 8 स्टेज आते हैं। सो जैसे कि फर्स्ट है ये फॉरेस्ट, सो इसमें डर्ट मिल रही है, वुड मिल रही है, राइट। अब सेकेंड आएगा केव या फिर माउंटेन की यूँ कुछ आएगा, जिसमें स्टोन मिलेंगे और मिलेंगे ऐसा ही सब। ये देखो मैं तुमको सनसेट दिखाता हूँ, ठीक है, फुल सनसेट के मज़े लो। मैंने जूम बिहेवियर इसलिए लिया है, तो वन ब्लॉक में क्या यूज़ है इसका, ठीक है, फुल सनसेट लो और मून राइज भी दिखाऊंगा तुमको। अरे सन तो ग्लिच हो रहा है, सन तो ऊपर भाग गया था अभी, ये ब्यूटीफुल सिनेरियो ऑफ सन देख लो ना, उसकी रे ने भी दिख रही है भाई, ये रियल सोर्स ने क्या एडिट किया है भाई, मजा आ गया हूँ, आय हाय हाय यूँ हो गया है, लाइक लिटरली देख सकते हो तुम। अगर तुमको भी रियल सोर्स का ये चाहिए हो रिसोर्स पैक, तो ये भी मैं तुमको लिंक दे दूंगा, ओके, सो यू कैन डाउनलोड दिस रिसोर्स पैक फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन। तो पीछे देख सकते हो मून भी दिख रहा था और ये सन पूरी तरह से डूब चुका है वर्ल्ड में और अब थोड़ी देर में गायब भी हो जाएगा, देखना अभी थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाएगा, तो ऐसे तो पूरा वर्ल्ड में ही दिखेगा। तो ये रहा अपना मून, अब अपने काम पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी करते रहना अपन को, अपन को फटाफट से ये एक्सपांड करना है अपना ये जो एरिया है इसको, और यहाँ पे फटाफट से फिर हमको लाइट्स भी लगानी है ताकि कोई मॉब स्पॉन नहीं हो इधर, हो जाएगा तो उसकी कुटाई तो हो ही जाएगी कैसा ना कैसे करके, वो मेरे को कितनी बार मारेगा, 2-4 बार, दैट्स इट, उसकी कुटाई तो मैं कर ही दूंगा अच्छी बढ़िया, लेकिन बस यहाँ पे नहीं है फालतू काम का, इसलिए मेरे को फटाफट से लाइटिंग भी करनी पड़ेगी इधर, ठीक है। सो देख सकते हो सन भी डिसअपियर हो चुका है पूरी तरह से, और ये रात के टाइम पे मैं क्या ही कर लूँगा ज़्यादा, सो ना मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो बीच में मैं बोलता रहूँगा, सो ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और मिलता हूँ मैं तुमको थोड़ी देर में। ओके, सो हमको वाटर वाला चेस मिल चुका है और अनलिमिटेड वाटर सोर्स का कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को अभी सडनली एक और चेस मिला था इससे पहले, जिसमें मेरे को पोटैटो मिली, कैरेट मिली और कुछ फ्लावर्स और मिले, और देख सकते हो ये वाटर वाले में 2-2 सैपलिंग्स भी मिल चुके हैं मेरे को, एक साथ डबल बोनस मिल गया, जो सिंगल सिंगल मिलता है ना वो मेरे को डबल एक साथ मिल गया। और अगर तुमने देखा अभी मेरे ये क्राफ्टिंग टेबल को खोलने से पहले, तो थंडरस्टॉर्म आ रहा है, ये नॉर्मल रेनिंग नहीं है, थंडरस्टॉर्म है, बिजली बिजली सब कड़क रही है इधर, और सडनली अगर कोई बिजली यहाँ पे गिर गई ना मेरे बेस के ऊपर, ये जल जाएगा, क्योंकि अभी कुछ स्टोन की चीज़ नहीं है यहाँ पे, कुछ स्टोन का बेस नहीं है, पूरा वुड पे, तो ये जल जाएगा और मेरा रिसोर्स चला जाएगा एक एक, और मैं भी मर जाऊँगा। बट ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि बिजली गिरने का भी कुछ रेयर ही होता है परसेंटेज, बहुत इजी वे में गिरती नहीं है बिजली हमारे ऊपर, सो दिक्कत नहीं है उसकी तो। और अपना ये आइलैंड थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ताकि ये जब बाद में
यहाँ पे दूसरे आइलैंड, दूसरे जो आइलैंड्स होंगे ना उनके भी जगह बनेगी चलने फिरने की, तो दिक्कत नहीं पड़े। और ना यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं एक वर्किंग चैम्बर बनाऊँगा जहाँ से मैं फुल सिक्योरिटी के साथ माइनिंग कर पाऊँ, क्योंकि देखो अभी तो सब ठीक है लेकिन बाद में चल के यहाँ पे मॉब स्पॉन होंगे, अलग अलग इवोकर, विंडिकेटर, ये बहुत सारे स्पॉन होंगे मॉब्स भी नॉर्मल स्पॉन नहीं होंगे। सो आई नीड टू वरी अबाउट माई प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक वर्किंग चैम्बर भी बनाऊँगा मैं, उसके लिए मेरे को बड़ी जगह चाहिए, इसलिए मैं अभी थोड़ा ज़्यादा एक्सपांड कर रहा हूँ अपने आइलैंड को ताकि फ्यूचर में चल के दिक्कत नहीं पड़े, ठीक है। सो इतना बड़ा काफ़ी रहेगा आई थिंक सो, है ना। तो अब इस साइड पे यही है ना, हाँ यही, इस साइड पे मैं एक दूसरा आइलैंड बना देता हूँ जहाँ पे जो मॉब स्पॉन होंगे ना नॉर्मल अपने फ्रेंडली मॉब, उनको मैं रख पाऊँ, जैसे कि काउ हो गई, शीप हो गई, फिर चिकन, पिग, इन सबको मैं इधर रखूँगा दूसरे आइलैंड पर। एक और यहाँ पे आगे कर देते हैं, ठीक है ना। बस अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आगे जाने का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इनफ, ज़्यादा हो जाएंगे ना 6, ये 7 और ये सेंटर, राइट। एक और कर देता हूँ, चलो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफ, 8, 9 ठीक है, इतना ठीक है। अब यहाँ से पूरा आगे ले लेते एक बार। तो ये आ गया मैं बराबर ब्लॉक पे, ये अपना सेंटर आ गया, है ना। और यहाँ से मेरे को वापस से 7 ब्लॉक्स आगे लेने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब यहाँ से भी मेरे को 7 लेने, 8 लेने, 8 ये हो गया कंप्लीट। एक और ठीक है। तो अब ये पूरा मिला देते हैं इसको, और अभी के लिए टेम्प्रेरी बना रहा हूँ मैं, टेम्प्रेरी सा आइलैंड है, बाद में जाके तो मैं इसको भी पूरा कोबलस्टोन से रिप्लेस कर दूँगा। कोबलस्टोन के स्लैब बहुत ही इसमें अच्छे टेक्सचर में दिखते हैं, लाइक जो फ्लोर रियल लाइफ में मिलता है ना हमको स्टोन्स का, ऐसा एक एक स्टोन जमाते हैं वैसा टाइप का, वैसा टेक्सचर देता है। तो मेरे को तो कोबलस्टोन ही अच्छा है स्टोन से ज़्यादा। मैं तुमको दिखाऊंगा वो ऐसा जब मैं फ्लोर बनाऊंगा ना उसका तब। हाँ देखो लेवल सेकंड आया ना, लेवल सेकंड अंडरग्राउंड, अब इसमें मिलेंगे मेरे को ओर और फिर स्टोन्स और भी वेराइटी ऑफ स्टोन लाइक एंडेसाइट, डियोराइट, यू नो। सब मेरे को पिकैक्स बना लेनी चाहिए और थोड़ा टूल्स बना लेनी चाहिए, स्टोन की बनाऊंगा तो दिक्कत नहीं है। पहले चेस्ट में अपना सामान स्टोर कर देते हैं, ये वुड इधर, ये चेस्ट इधर, पम्पकिन ठीक है सब बराबर, और ये पोटैटो और ये भी इधर रख दूंगा मैं। वाटर सोर्स तो बाद में बनाएंगे अनलिमिटेड, उसकी एक बार जगह बना लेंगे फिर, लेकिन अब भी रहने देते हैं उसको, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे चेस्ट बनाना है, चेस्ट नहीं पिकैक्स बनानी है। सो वुड ले लिए मैंने, और इस वीडियो का गोल मेरे को पता नहीं है मैं क्या ही करने वाला हूँ, लेकिन करते जा रहा हूँ जो होगा देखेंगे, नहीं तो मैं हर वीडियो में गोल रखता हूँ और आगे भी रखूँगा। ये तो सेकंड वीडियो है ये मेरा, ठीक है। सो पिकैक्स बन चुकी है, स्टिक तो हाथ में रहेगी जूम करने के लिए, ठीक है। सब माइन करते हैं, ओके।
ओके सो 3 स्टोन्स आर कलेक्टेड। नहीं तो क्या होता है पता है, ये मैप मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ा ट्रायल के लिए खेला था, प्रैक्टिस के लिए। सो तब मैंने ये जो अंडरग्राउंड वाला लेवल आया ना, इस पर माइन किया और सेकेंड वाले में आयरन ओर आ गया। अब आयरन ओर को माइन करने के लिए चाहिए स्टोन पिकैक्स। अब मेरे पास था सिर्फ 1 स्टोन, अब उसकी शॉल बना के माइन कर रहा हूँ क्या मैं। सो ये गेम ट्रोल भी होते हैं, हम ये गेम में ऐसे ट्रोल भी होते हैं। तो ये वाले मैप में मैं खुश नसीब हूँ जो कि मेरे को मिल गया 3 स्टोन पहले, ठीक है। सो अब अपना फर्स्ट आयरन माइन करने की बारी। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, ये वाटर लेते हैं और ये जो ओर है ना इसके नीचे एक स्लैब लगा देते हैं ताकि फ्यूचर में चल के दिक्कत नहीं पड़े। यहाँ पे नहीं, ओर के ऊपर, यस ये जस्ट स्लैब के नीचे लग गया था इसलिए। तो यहाँ पे लगा दिया स्लैब और अब चलते हैं ऊपर, ठीक है सब। अगर ग्रेवल ग्रेवल कुछ भी स्पॉन हुई ना इधर, कुछ भी मतलब आई, तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड में नहीं जाएगी न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्लैब रह गया, उठ दो भाई उठ दो। वहाँ का जो मैंने स्लैब तोड़ा था ना वो मैंने नीचे लगा दिया ये वुड का। सो ये स्लैब बना लेते हैं और वुड को इधर स्लैब को लगा देता हूँ मैं ये होल में इधर और वी आर रेडी, यस वी आर गुड टू डू अवर वर्क। सो और माइनिंग करते हैं। फर्स्ट ओवर हमारा मिल चुका है हमको इस 1 ब्लॉक का, ये। और देखो रिसोर्सेस का पूरा प्रॉपर यूज ऐसे करते हैं, कोई अगर और आया तो हमको स्टोन पिकैक्स से माइन करना है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल स्टोन आया तो हमको वुडन पिकैक्स से माइन करना है। यही होता है, ऐसे यूज करने पड़ती हैं रिसोर्सेज अपनी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मैं और काम करता हूँ और वापस से तुमको थोड़ी देर में मिलता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। ओके गाइस, सो देखते ही देखते सुबह भी होने वाली है। देख सकते हो ये जो लाइटिंग है ये बदल रही है अब धीरे धीरे। सो सुबह भी होने वाली है फटाफट से ही, जल्दी से मतलब। सो मैंने ज़्यादा कोई रिसोर्सेज माइन नहीं किए, मैंने जैसे ही बोला ना फास्ट फॉरवर्ड करके मिलता हूँ उसके थोड़ी देर के बाद में ये मैंने स्टॉप कर दिया है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्लो क्यों हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कोल माइन किया ना तो एक्सपी वाला एक्सपी जनरेट हुई और वो एक्सपी है वो ग्लो करती है, उसकी वजह से मेरे को मिला ये एक्सपी। सन का है भाई, वेयर इज सन, बारिश हो रही है सन भी नहीं आएगा क्या, ठीक है भाई अलग दिक्कत हो गई ये तो। अपना अभी तक कोई ट्री भी नहीं उगा है, नहीं तो उसकी खुशी भी अलग होती। और ये बात अच्छी हुई कि मेरे को बर्च और ओक दोनों एक साथ मिल गए ट्री, बल्कि एक ओल ले लिया मैंने, 9 आयरन ओर माइन कर लिए, बल्कि ये वैरायटी ऑफ स्टोन्स, ग्रेवल, ये आयरन ओर, ठीक है रॉ आयरन नॉट आयरन ओर, ये मैंने माइन किए और मेरी वुडन पिकैक्स टूट चुकी है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ओके सो हमको मिल चुका है हमारा सुपर चेस्ट, यस ये वाला थोड़ा 1 ब्लॉक डिफरेंट है। सो ये सुपर चेस्ट में हमको कभी कभी कुछ रेयर आइटम मिल जाता है या फिर कभी नॉर्मल मिल जाता है। सो इसका कोई इतना ज़्यादा है नहीं, एक और चेस्ट जिसमें हमको मिली है बोन, ठीक है कोई बात नहीं, यूजफुल आइटम फॉर टेमिंग और फॉर मेकिंग बोन मिल, राइट। तो सुबह हो चुकी है लेकिन सन के अभी तक दर्शन नहीं हुए। हेलो काऊ, हेलो हेलो, मारूंगा नहीं तुम, मैं जंप कर रहा हूँ देख के ना क्रिट दे देगा, ये सोचना मत, ये मेरा फर्स्ट पेट है इस 1 ब्लॉक का, नहीं मारूंगा मैं इसको, ठीक है। इनको तो मैं रखूंगा टेम करके,
तो ये चीज़ें और मैं माइंड कर लेता हूँ। और ना बहुत जल्दी मेरे को जो पीछे वो जो मैंने बनाया ना दूसरा बेस, उस पर फेंसिंग कर देनी पड़ेगी। और बहुत ही जल्दी मेरे को वो पूरा उसके अंदर का फिल कर देना पड़ेगा। तो ये कोल मिल चुका हमको, और एक्सपी आती है ना तो पैरों के नीचे से रुक जाती है वो, हमको जंप करना पड़ता है या फिर कोई आगे पीछे चलना पड़ता है तब जाके कलेक्ट होती है, कुछ होता है ऐसा यूँ। ठीक है सर, बहुत सारे रिसोर्सेज जमा किए मैंने और तोड़ते जाते हैं। पिकैक्स भी अपने हाफ हेल्थ पे पहुंच चुकी है, अभी ज़्यादा ड्यूरेशन बची नहीं है उसकी, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं बची है। और हमारे 400 ब्लॉक्स माइन होने वाले, बस 5 ब्लॉक और 400 ब्लॉक्स आर माइंड, हो गए 400 ब्लॉक माइन। नॉट बिग अचीवमेंट बट मैं इतनी देर से खेल रहा हूँ तो देखते हैं और क्या क्या मिलता है आगे। कॉपर ने वो भी मिल जाना तो अच्छा रहेगा, यूँ कॉपर का मैं बना सकता हूँ ना वो क्या कहते हैं रॉड, इलेक्ट्रिक रॉड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अभी नया है ना, नया क्राफ्टिंग रेसिपी आई है ना कॉपर की। एक तो अपन स्पाई ग्लास बना सकते, एक कॉपर रॉड बना सकते ना जो इलेक्ट्रिसिटी को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो बना सकता हूँ ताकि मेरा ये जो बेस है जले नहीं। ठीक है, तो ये सारा सामान मैंने कलेक्ट कर लिया। और भी कोई जानवर स्पॉन हो सकता है अब मना ही नहीं है। ठीक है सर, मेरी पिकैक्स भी टूट चुकी है, हेलो, बल्कि ये डायमंड सब अब संभाल के रख देते हैं, तो दिक्कत पड़ जाएगी अगर कोई भी यहाँ पे स्पॉन हो गया तो। बल्कि ये खाना अपना फर्स्ट, वो काऊ को दिखाने का नहीं है, ये तो बुरा मान जाएगी वो। तो इस 1 ब्लॉक में मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये वेज खाना खाऊँ, एनिमल्स को मेरे को नहीं मारना पड़े, ये मैं ट्राई करूँगा। लेकिन रिसोर्सेस की बात आती है, लाइक लेदर और भी कई सारी चीज़ें, बट लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में क्या नहीं, राइट, देख लेंगे। तो बल्कि अपन पिकैक्स बनाते और अब बना पाऊँ तो एक स्वॉर्ड भी बना दूंगा मैं, लेकिन अभी रन चलो, रिसोर्सेस वेस्ट नहीं, राइट, और माइन करते हैं। ठीक है सर, ये मेरा हाफ और हो चुका है, 500 और 400 के हाफ में मैं पहुंच चुका हूँ, मतलब कि 500 होने में बस 40 और मेरे को ब्लॉक्स माइन करने हैं। बस एक ही काउ स्पॉन हो गई है, शीप के भी स्पॉन हो जाओ ना, दो शीप हो जाएंगी तो मेरे बेड की भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, उनको टेम करवा के मैं बेड भी बना दूंगा। हाँ यार, मारना तो पड़ेगा, मतलब कि नहीं शेयर भी तो कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है, मारना ही पड़े, देख लूँगा यार। ठीक है, अभी उस पर बात नहीं करते, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ। तो ये होने वाले हमारे 500 ब्लॉक माइन। और हेलो काऊ, देखियो मेरे को ने मेरे को ही देख रही है, कहीं तो और देख, वॉइड में देख, यहाँ पे आ जाए, खाना है, घास खानी इधर को, काऊ घास खाती है माइनक्राफ्ट की, खाती तो होंगी, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ शीप को ही देखा है घास खाते हुए, खाना है तो देख, खा ले, मैंने अभी तक तोड़ा नहीं ग्रास ब्लॉक, आ जा खा ले, ना नहीं बोलूँगा, नहीं खाना, ठीक है कोई बात नहीं, चलो पेट खराब होगा थोड़ा उसका, है ना।
थोड़ा भी नहीं खाना यूं है उसको, तू जा रहे है यूं बोल रही मेरे को। शीप आ गई, ये हेलो डेढ़ी आंखों वाली शीप। डेढ़ी मतलब ऐसा जो दूर दूर आंखें होती है ना, उनको डेढ़े कहते हैं। अब सारे के सारे जो मॉब है इनको ऐसे ही बना दिया है, तो कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम पहले आती ना तेरे को मैं ग्रास भी खिलाता, ठीक है। तो मेरे पास 3 टाइप के एनिमल्स अभी तक हो चुके हैं, लेकिन उनकी अभी तक ब्रीडिंग नहीं करवा सकता हूँ मैं, क्योंकि उनके साथी अभी तक स्पॉन नहीं हुए। बट अब मेरे को जल्दी से जल्दी इनके लिए एक फेंसिंग वाला पूरा एरिया बना देना पड़ेगा, नहीं तो ये एक दूसरे को धक्का मार के गिरा देंगे। लाइक वो चिकन वो शीप को धक्का मार के गिरा सकती है यूं। कभी हो सबको के व्यू देखना है तो एंड पे जाके खड़े हो जाते सबके सब, धक्का मुक्की में कोई ना कोई गिर जाता है वर्ल्ड में। तो मेरे को वो देखना पड़ेगा पहले तो, और फ्रॉड से इनके लिए फेंसिंग सब करके एक एरिया तैयार करना पड़ेगा। बाद में तो मेरे घर के पास में इनके लिए अस्तबल बना दूंगा मैं, बट अभी के लिए तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। फ्रॉड से और माइंड करते हैं, अभी तो बहुत बड़ा एरिया है हमारे पास जहाँ पे धक्का मुक्की हो नहीं, लेकिन अगर मेरे को सिचुएशन लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, है अपने पास वुड और अपने पास सैपलिंग भी है। वो एक सैपलिंग से मैं हजारों सैपलिंग बना सकता हूँ, और हजारों सैपलिंग से अनलिमिटेड वुड। हेलो चिकन, भाई सबकी आंखों में जो ये लाइट डाली है ना, एक जैसा शाइन डाली है ना वाइट कलर की, बड़ा अच्छा लगता है ये, ठीक है। सो माइंड करते 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 बहुत टाइम हो चुका है, और अभी तक कुछ ऐसा ज़्यादा अच्छा काम किया है नहीं अपन ने। बस हमारा रिसोर्स अभी तक हमारा डेवलपमेंट यही हुआ है कि मैंने 2 पिकैक्सेस तोड़ी हैं स्टोन की, और मेरे अनलिमिटेड शीप तैयार हो चुके हैं, ठीक है। सो अब दिक्कत है नहीं शीप की, तो ठीक है शीप की ब्रीडिंग करवा सकता हूँ मैं। बस अब ये देख लो ये मुर्गी और लिटरली धक्का मार रही है यार, तेरे को एक काऊ से ही क्या दिक्कत है मुर्गी हैं, तू उधर वाले पर चले जा डर्ट पे, खाना है भाई किसी को? ये देख लो यही है अभी फिलहाल के लिए खाना है। लो भाई मैं यहाँ पे मुंह घुमा लेता हूँ, खा लो चुपचाप। मैं तो ऑफर भी करता हूँ भाई, किसी को खाना है तो खा लो, क्योंकि शीप ने जो होती है ना वो खाती है ये ग्रास, बट अगर उनको नहीं खाना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खाई किसी ने? नहीं खाई, ठीक है। किसी को भूख नहीं है, अभी भी पैदा हुए ना। काऊ तू थोड़ा सा साइड में आ जा, ठीक है, तू वर्ल्ड के पास में मत खड़ी रहे, और भाई कोई भी लड़ो मत मरो मत, सब शांति बन रहो। अभी तुम्हारे लिए बढ़िया सा घर बनाऊंगा मैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, खुद के यहाँ पे रहने के ठिकाने हैं नहीं मेरे, तो तुमको भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लक ओपी चल रहा है अब तो, लियो लक ओपी। सो इट्स टाइम कि मेरे को अब सब चीज़ों पे फोकस करना जरूरी है। ये देख लो भी बस यही होता है। ओ भाई गिर जाएगी वो, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या असली हरकतें चल रही हैं यहाँ पे? उतरो भाई, दोनों उतरो, यहाँ पे मेरा पेड़ नहीं उगने दे रहे तुम, तू भी उतर भाई। अब करना पड़ेगा काम, सब निकालो अपनी वुड जितनी भी अभी तक की मैंने जमा की है, और फटाफट से काम पे लगते हैं। और मेरे को अकाशियन वुड भी यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं मेरे पास में, क्योंकि मेरे को वुड और मिली है नहीं। सो मेरे को यही करना पड़ेगा, बल्कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो जैसे इधर मैंने थोड़ा सा वुड भर दिया है, वैसे ही ना मैं इधर भी भर देता हूँ। फ्रॉम हियर ये 2 छोड़ के इधर से, तो यहाँ से मैं ये भर देता हूँ थोड़ा सा, और ये जो एक वुड है ना इसको मैं लगा देता हूँ सेंटर में, एक स्लैब इसको लगा देता हूँ इधर सेंटर में,
अब जो बल्कि का एरिया है ना उसको मैं अकासियन वुड से फिल कर देता हूँ। यू नो डिज़ाइन प्रॉपर रहना तो चाहिए, नहीं तो बहुत मेरे को भी इरिटेशन होती है कि क्या किया है यार मैंने, यूँ मैं एक बार जो लगा दिया उसको फ़िलहाल के लिए मेरे को तोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी जो मैंने तोड़ा सो देर इज़ लेस पॉसिबिलिटी कि वो रिसोर्स वापस से मेरी इन्वेंट्री में आएगा, वो वर्ल्ड में भी जा सकता है, और अगर मैं लकी हुआ ज़्यादा ही सो मेरे पास भी आ जाएगा। ठीक है, सो ये तैयार कर रहा हूँ मैं एक एरिया, प्लीज़ सारे एनिमल्स यहाँ पे ही रहना। फेंसिंग करने के लिए मेरे पास इतना भी नहीं है वुड, और मैंने वो जो दो सैपलिंग्स ग्रो होने रखी हैं उसमें से अभी तक एक भी नहीं हुई है, बहुत टाइम ले रहे हो ग्रो होने में, तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते फ़िलहाल तो, नहीं तो इतने में तो ग्रो हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं यूँ। फर्स्ट है तो फर्स्ट कोई वुड ग्रो हो रही है, फर्स्ट कोई ट्री ग्रो हो रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत पड़ रही होगी, नहीं तो बाद में तो फटाफट यूँ लगाया तो तुरंत ही दूसरा देखते ना तो उगा हुआ मिलता है, तो उसकी दिक्कत है नहीं, बल्कि और थोड़ा स्लैब्स चाहिएंगे, 18 आई थिंक सो इनफ है। ठीक है सो ये ले जाते हैं, इनफ है तो मोर देन इनफ है ये तो मोर देन इनफ बन गए, मेरे को थोड़े से चाहिए थे। ठीक है सो ये मेरा एरिया कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे मेरे को फेंसिंग करनी है, इन फेंसिंग करूँ इतनी मेरे पास वुड ही नहीं है, 11 दैट्स इट, और अभी तो मेरे को फेंसिंग फेंस अगर बनाना है तो मेरे को स्टिक्स भी बनानी पड़ेगी, ऐसे बनते हैं फेंस, और ट्रैपडोर का मैंने हैक देखा था कि ये जो होते हैं ना मॉब्स ये ट्रैपडोर के ऊपर से कूद के नहीं आ पाते, अपन जा पाते हैं लेकिन ये नहीं आ पाते, लेकिन ये मैंने ट्राई किया तो ये बेडरॉक में नहीं चला। ठीक है सो अब भी कुछ नहीं कर सकते, तो आज के वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में देखते क्या होगा। सो दैट्स द वीडियो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, तो ये मैंने प्रोग्रेस किया है आज के इस वीडियो में, एक ये आइलैंड बना दिया, एक मतलब अलग बेस बना दिया, ये मेरा वर्किंग बेस, और ये मॉब्स है मेरे पास में, ठीक है, और वो दो चेस्ट भर के मेरे पास सामान है। सो That's the video guys, I hope you enjoyed my video, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लियो पीस, सब्सक्राइब टू मिस्टर लियो, इतना सारा बोल देने के बाद एक लास्ट बार बाय बाय।